चिंतित थईने पश्चिम बंगाळना सिलीगुड़ीना युवाने सेफ ड्राइविंग सेफ लाइफनो संदेश वहेतो करीने साइकल उपर भारत भ्रमण करवानी यात्रानी शुरुआत करी छे। जे यात्रा दरमियान ते देशवासीओने ट्राफिकना नियमोना प्रत्ये जनजागृति फैलावानुं कार्य करशे। पश्चिम बंगाळ सिलीगुड़ीना मधाईपाल 7 महीना पहला सिलीगुड़ीथी साइकल पर भारत भ्रमण करवा निकळ्या छे अने मंगळवारे वडोदरा आवी पहोंच्या छे, जे वडोदराथी अमदावाद थईने आगळ रवाना थशे। देश सहित राज्यमां मार्ग अकस्मातमां जे रीते लोको मोतने भेटी रह्या छे तेमज घायल थई रह्या छे ते जोता मधाईपाल द्वारा लोकोमां ट्राफिकना नियमो पाळवा माटे तेमज पोतानी सुरक्षा माटे हेलमेट पहेरवाना संदेश साथे साइकल पर भारत भ्रमण करवा निकळ्या छे। साइकल यात्रा दरमियान आवता शहेरोमां तेमज गामडाओमां सेफ ड्राइव करवा ट्राफिकना नियमोनुं पालन करवा तेमज हेलमेट पहेरीने टू व्हीलर चलावा माटेनो संदेशो आपीने जीवन बचावा माटे जणावे छे। सिलीगुड़ी से पूरे भारत के लिए साइकिल यात्रा करने निकला हूँ दो चीज़ को लेकर। पहली बात है कि रोड सेफ्टी के चलते आपको पता होगा कि जिस तरह से हमारे देश में एक्सीडेंट बढ़ते जा रहा है, इसको कम करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट भी प्रयास कर रहे हैं, स्टेट अथॉरिटी प्रयास कर रहे हैं। मैं सबको लेकर मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग रोड का यूज़ करते हैं, ट्रैफिक उसको फॉलो कीजिए। आपको शायद पता होगा कि मेजोरिटी ऑफ लोगों का जो मौत का कारण है हेलमेट नहीं पहना और ट्रैफिक उसको फॉलो नहीं करना, तो इसी के चलते बड़ा बड़ा हादसा हो जाता है। तो मैं सबको यही कहना है कि ट्रैफिक उसको फॉलो कीजिए, जिसमें आपको भी जिंदगी बचेगा, रोड जरूर रोड में चलने के लिए मौका मिलेगा। मैं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से स्टार्ट करके 7 महीने के बाद गुजरात में पहुंचा हूं और पूरे भारत यात्रा करूंगा। मुझे लगता है कि पूरे कंप्लीट करने में और भी 1 साल लग जाएगा और इसके बाद में गुजरात के बाद राजस्थान, पंजाब, कश्मीर, उत्तरी दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल सब स्टेट कर चुके हैं। मैं ऑलरेडी 10 नंबर स्टेट चल रहा है। मधाईपाल वडोदराथी अमदावाद थईने राजस्थान थईने बाकी अन्य राज्योमां जईने सेफ ड्राइव करी सेव लाइफनो प्रचार करशे अने तेने भारत भ्रमण करवा अंदाजे 1 वर्ष जेटलो समय लागशे। ब्यूरो रिपोर्ट, निर्माण न्यूज। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी भारत सरकारना मान्य सभ्य अंजना